हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमारे पास है NS200BS6 और ये वीडियो उसी दिन शूट हो रहा है जिस दिन आप लोगों ने FZS वर्सेस पल्सर 150 का वीडियो देखा है। एक ही दिन में दो दो शूट करना पड़ रहा है। तो आज हम इसका टॉप स्पीड एक बार टेस्ट करेंगे, एक बार देखते हैं कि ये बाइक कितनी जाती है टॉप स्पीड में। और ये एक BS6 बाइक है, एक बार इसका आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ मैं। सॉफ्ट रेव होती है ये बाइक, हार्ड रेव नहीं होती है KTM की तरह। तो इसका एक बार टॉप स्पीड टेस्ट हम लोग कर लेते हैं और इसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। एक बार हम लोगों ने NS200 वर्सेस RS200 किया था माइबन टनल में, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो एक बार देखते हैं कि इसका टॉप स्पीड कितना जाता है अगर इसको अच्छे से भगाते हैं तो। और साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन टेस्ट भी हो जाएगा। और ये गाड़ी क्लॉक कर चुके 11,620 किलोमीटर्स। पता नहीं कैमरे पे मीटर दिखाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से। तो चलिए इसका एक बार टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं हम लोग। और इसका क्लच लीवर भी टूटा हुआ है, देख सकते हैं ये चीज़। तो चलिए एक बार बाइक को भगा के देखते हैं कि ये बाइक कितनी टॉप स्पीड अचीव कर पाती है। अभी जितना तक रोड होगा उतना तक ही भगाएंगे, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। वोबल होती है बहुत, शायद इसके फ्रंट टायर्स की वजह से गाड़ी थोड़ा बहुत वोबल करती है। पर हम लोगों को और एक अच्छा लॉन्ग स्ट्रेच चाहिए होगा अगर इसको अच्छे से भगाया जाए तो। ये 140 तक तो आराम से इजीली क्लॉक कर लेती है, हम लोगों ने वो चीज़ माइबन टनल पे अच्छे से देखा है। और एक बार कोशिश कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा यहाँ से करते हैं। क्योंकि मेन बात है हमारे पास रोड्स नहीं है, उसके कारण ही ये सब कुछ होता है। रोड्स होता तो मैं आराम से आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉप स्पीड दिखा पाता, पर क्या करें रोड्स नहीं है। चलो और एक बार कोशिश करते हैं। शायद हाईएस्ट 136 तक गया, उसके ऊपर नहीं ले जा पाया मैं। और एक बार कोशिश करके देख लेते, नहीं हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा वोबल होता है गाड़ी। और एक हाँ और एक बार कोशिश कर लेता हूँ।
पल्सर के स्पीडोमीटर में बहुत ज़्यादा एरर होता है, 5 से 10 किलोमीटर्स के बीच तो एरर रहता ही है। और इस जगह में मैं KTM के मीटर्स को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कहूँगा, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट स्पीड दिखाता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा वोबल होती है, शायद इसके फ्रंट टायर के वजह से होता है ये चीज़, क्योंकि फ्रंट का टायर, अगला टायर पूरा प्लेन हो चुका है। चलिए और एक बार लास्ट एक बार ट्राई करके कोशिश करके देख लेता हूँ क्या होता है। आप लोग ये सब चीज़ बिल्कुल भी ना करें, आप लोग घर पे बैठे बैठे फ़ोन देख के ये चीज़ का मज़ा लें, इसके कारण हम लोग आके करते हैं ये चीज़। चलिए और एक बार देख लेता हूँ। इस बार शायद 140 तक चली गई गाड़ी, उससे ज़्यादा भी जा सकती थी, पर रोड ख़त्म हो जाता है उसके कारण नहीं होता ये चीज़। वन फोर्टी तक गई है तो यही देख सकते हैं, 140 तक ये गाड़ी इजीली चली जाती है, उसके बाद भी जा सकती थी पर रोड्स ना होने के कारण हम लोग इसको नहीं ले जा पाते। तो यही था NS200 का टॉप स्पीड हमारे लिए। तो ये था आज के लिए वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।